इसका टाइटल एंड थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा हम क्या बताने वाले हैं। और गाइज आगे भी रखा हुआ है जो कि देख सकते हो, 8 वाट एलईडी, 9 वाट एंड गाइज एसीडीसी होता है एलईडी जो कि देख सकते हो, ये हाथ से शॉर्ट करने पर ये जलने लगता है। एंड गाइज 40 वाट, 50 वाट, 60 वाट का एलईडी होता है, बड़ा से बड़ा एलईडी। एंड गाइज 20 वाट का ट्यूब लाइट होता है जो मरकरी, एंड ये डीजे लाइट देख सकते हो या फायर लाइट भी बोल सकते हो। तो गाइज इन सब एलईडी वगैरह लाइट वगैरह का कैसे हम खुद से सही कर सकते हैं घर पर ही, ये इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ बताया गया है। अगर यह वीडियो पूरी तरीके से देख लेते हो तो गाइज जिंदगी में दूसरा वीडियो एलईडी के बारे में या तो लाइट के बारे में खोलने का नौबत नहीं आएगा। तो गाइज इस चैनल पे अगर अभी नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज बिना टाइम लिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइज जैसा कि यहाँ काफ़ी सारा एलईडी आप देख रहे हो जो कि 8 वाट 9 वाट का है फाइनल, गाइज बहुत सारा एलईडी में क्वालिटी होता है जो कि आपको फाइनली टोटल दिखाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देख सकते हो एसीडीसी एलईडी है जो कि गाइज ये अभी जल ही रहा है लेकिन लाइन पे ये नहीं जलता है। फाइनल एसीडीसी के बारे में जानेंगे। एंड गाइज यहाँ देख सकते हो 60 वाट, 50 वाट, 40 वाट, जितना भी बड़ा छोटा सा एलईडी आता है सारा आज डाउट क्लियर करने वाले हैं कैसे इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि गाइज बहुत कचरों में फेंका हुआ रहता है। एंड गाइज ये डीजे लाइट देख सकते हो, इसमें क्या सब सामान रहता है, कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं यह भी जानेंगे। एंड गाइज ट्यूब लाइट अभी हर घर में ये चल रहा है, ट्यूब लाइट जो कि 20 वाट 36 वाट का आता है, तो फाइनल इसके अंदर क्या क्या सामान वैसा लगा होता है जो कि खुद से रिपेयरिंग कर पाए यहाँ जानने वाले। एंड गाइज यहाँ देख सकते हो पोल वेपर जो कि गाइज पोल वगैरह रोड वगैरह पर देखे होंगे या तो घर में छत पे ये वेपर का ज़्यादा यूज होता है, तो गाइज इसमें क्या सामान होता है, कैसे रिपेयरिंग होगा यह जानने वाले हैं। एंड गाइज यह देख सकते हो जैक्सन एलईडी है जो कि घर वायरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें यही एलईडी लगता है, तो फाइनल गाइज इसके अंदर क्या सामान वैसा है जो कि कब छोटा से छोटा में एकदम बना दिया 8 वाट 10 वाट, फाइनल इसके बारे में जानेंगे। एंड गाइस टोटल बल्ब का रिपेयरिंग करने में जो हमें इंस्ट्रूमेंट लगेगा मतलब सामान लगेगा औजार वगैरह तो देख सकते हो, सबसे पहले यह होल्डर प्लग का होना जरूरी है। एंड गाइस बोर्ड में सीरीज लाइन आया हुआ है, मेन लाइन से भी चाहो तो कर सकते हो। एंड गाइस सबसे ज़्यादा जो है यूज करने वाला सामान ये मल्टीमीटर, इसकी सहायता से ही हम किसी भी बल्ब को बहुत आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ देख ही सकते हो नोच प्लस है, उसके बाद प्लस है, ये टेस्टर है और ये चुट्टी है जो कि इससे चेक करने में बहुत हमें मदद मिलेगा। और ये टेस्टर है, यहाँ पर रंगा है, सोल्डिंग है यहाँ पर, उसके बाद ये देख सकते हो स्क्रू पेचकस है। तो गाइज इतना सहायता से आज हम सारा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। अगर यहाँ तक वीडियो आप देख लिए हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लो, दोबारा ज़िंदगी में दूसरा वीडियो वगैरह देखने की आपको मौका नहीं देंगे, 100% मेरा गारंटी है। गाइज जैसा कि हम 8 वाट का एलईडी ले लिए हैं, देख सकते हो फाइनली ये चेक कर रहे हैं तो ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। इस केस में गाइज पहले इसको खोलना ही होता है। फाइनल गाइज ये देख सकते हो इस तरह से काफ़ी आसानी से खुल जाता है। फाइनल खोलने के बाद अब हम यहाँ पर लाइन में लगा रहे हैं जो कि देख सकते हो ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। तो गाइज अब ये देख सकते हो चुट्टी से इस तरह से शॉर्ट कर करके चेक करना होता है जो कि देख सकते हो एक बगल से चेक करना होता है। अगर बल्ब कोई भी इसमें ख़राब होगा तो उस केस में यहाँ शॉर्ट होने पर ये जलने लगेगा जो कि ये गाइज देख सकते हो ये यहाँ पर इसको शॉर्ट करने से ये फुल रोशनी दे रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से इसको छोड़ा कर यहाँ पर हम शॉर्ट कर देंगे सोल्डिंग से तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो फाइनल गाइज यहाँ इसको इस तरह से लाइन से पहले खोल दिए हैं, लाइन से खोलने के बाद ये देख सकते हो ये है उड़ा हुआ बल्ब जो कि इसको अभी हम शॉर्ट करने वाले, पहले एलईडी को हटाना होता है इस तरह से जो कि देख सकते हो ये एलईडी हट गया है। अब यहाँ पर सोल्ड चढ़ा देंगे, ये बिल्कुल फिर वर्क करने लगेगा। फाइनल गाइज यहाँ पर अभी हम सोल्डिंग करने वाले हैं जो कि देख सकते हो यहाँ पर, तो गाइज इस तरह से देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट कर देना होता है जो कि फाइनली यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है। तो ये अब हम चेक कर रहे हैं, ये जो कि देख सकते हो ये फाइनल गाइज ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला जो कि देख सकते हो गाइज। लेकिन गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है यह कि यह ज़्यादा दिन तक ये चलता नहीं है, इसका लाइफ बहुत ही कम दिन का होता है, 100 में 90% कम ही लाइफ होता है, 10% ही जो कि ज़्यादा दिन तक चल जाता है। तो गाइज उस केस में क्या करें जो कि ज़्यादा दिन तक लाइफ टाइम इसका चलता रहे, तो गाइज करना होता है ये प्लेट मार्केट में मिलता है 5 से 7 रुपया पीस मिलता है। तो गाइज यहाँ से दोनों नट को खोल कर ये एलईडी प्लेट को ही यहाँ पर न्यू अगर डाल देंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलने लगता है। फाइनल गाइज इसको चेंज करने के लिए प्लेट को सबसे पहले तो ये वायर को हटाना पड़ेगा जो कि 2 वायर यहाँ पर सोल्ड किया हुआ रहता है जो कि देख सकते हैं। वायर हटाने के बाद इसमें 2 नट होता है जो कि स्क्रू नट है, इन दोनों को खोल कर भी इसको हटा लेंगे। फाइनल गाइज यहाँ देख सकते हो अब काफ़ी आसानी से यह प्लेट बाहर निकल जाता है। फिर गाइज अब लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए यहाँ देख सकते हो कितना ये इसमें एलईडी एंड ड्राइवर किट वगैरह है। तो गाइज इस ड्राइवर किट अगर प्राइस की बात करें तो यह आपको 10 से 15 रुपया के बीच में मिल जाता है और यह गाइज 5 से 7 रुपया प्रति पीस के हिसाब से ये कहीं भी आपको मिल जाता है। तो गाइज यहाँ से हम एक तोड़ लेते हैं जो कि देख सकते हो टूट गया, इसमें 2 है।
फिर एक लग हो गया। तो गैज इसको यहाँ फिर नट पर टाइट कर देंगे। इसमें होल्स दिया रहता है जो कि देख सकते हो, होल्स के सामने होल्स रख कर स्क्रू लगा देंगे और वायर को सोल्ड कर देंगे। अभी फाइनल गैज यहाँ पर रेड वायर को प्लस पर कनेक्ट करेंगे एंड ये ब्लैक वायर माइनस पर कनेक्ट करेंगे। फाइनल यहाँ देख सकते हो सोल्डिंग हो गया है। तो फिर चेक करेंगे, ये देख सकते हो गैज ये कमल का जल रहा है, रोशनी भी अभी पावरफुल है जो कि देख सकते हो। ये गैज 9 वाट का बल्ब है, तो इसको कैसे पहचाना जाएगा ये भी ट्रिक है, देख सकते हो। इसमें LED टोटल कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LED इसमें है, तो ये 9 वाट का ये LED हुआ इस हिसाब से। अगर गैज इसका तो ये LED प्लेट ख़राब था तो चेंज कर लिया, अगर अंदर का किट ख़राब रहता है तो उस केस में कैसे जानेंगे अंदर का किट ख़राब है या सही है। तो उसके लिए गैज पहले हम दूसरा LED ले लेते हैं। फाइनल गैज यहाँ पर दूसरा LED लिए हैं जो कि देख सकते हो, इसको भी जलाते हैं तो ये भी नहीं जल रहा है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो गैज यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। लेकिन गैज इसका जो यहाँ पर हम किट चेक करेंगे, यहाँ पहले देख सकते हो ये स्पार्क करते हैं, इन दोनों वायर को शॉर्ट करते हैं तो थोड़ा यहाँ पर स्पार्क भी मारता है एंड ये LED भी ग्लो करने लगता है। तो गैज ऐसे भी हमें पता नहीं चल रहा है इसका किट सही या ख़राब है। तो गैज इसके लिए अभी हम मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं। फाइनल गैज यहाँ पर देख सकते हो मल्टीमीटर को DC रेंज पर कनेक्ट करने के बाद प्लस में प्लस को और माइनस में माइनस लीड को यहाँ जब हम सटाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर 35-36 वोल्ट दिखा रहा है, हाईएस्ट 38 वोल्ट तक जाता है। तो गाइज हम बता दें कि कोई भी 8 वाट 9 वाट LED का किट कम से कम 90 से लेकर 150 के बीच अगर वोल्ट रहता है DC वोल्ट तभी LED ग्लो करता है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर 35 वोल्ट दिखा रहा था तो गाइज यहाँ पर LED किट ख़राब है, हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो गाइज किट को चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर वायर को उखाड़ना पड़ेगा जो कि LED में लगा हुआ है। फाइनल गैज दोनों वायर का यहाँ पर सोल्ड उखाड़ दिया है, उसके बाद इस हीटसिंक प्लेट को निकालना है इस तरह से जो कि देख सकते हो ये निकल गया है। निकालने के बाद फाइनल यहाँ ड्राइवर देख सकते हो ये जो गैज, इसको अभी खोल कर बाहर निकालना है, फिर इसमें न्यू ड्राइवर को फिट करने वाले हैं। तो कैसे फिट होगा यह हम जानने वाले हैं। ऐसे तो ये खिंचाएगा नहीं गैज क्योंकि यहाँ पर सोल्ड किया हुआ रहता है दोनों वायर, तो इसको पहले यहाँ से हटाएँगे ये जो सोल्डिंग बना हुआ है। ये जो हटाने का तरीका होता है ये देख सकते हो गैज, इसको पूरा हीट करना होता है, ये देख सकते हो हीट हो गया है पूरा। हीट होने के बाद फाइनल इस तरह से जब करते हैं तो ये काफ़ी आसानी से हट जाता है जो कि हट गया, इस तरह का वैसे हटाएंगे। फाइनल ये दूसरा भी हट चुका है, इस तरह से हटाने के बाद फाइनल गैज इस तरह से अब हम किट को इधर से खींच लेंगे इस तरह से जो कि देख सकते हो ये खींचा गया। फाइनली ये इधर से भी 2 छेदा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें फिर हम न्यू किट को डालने वाले हैं जो कि गैज मार्केट में 10 से 15 रुपया के बीच ये मिल जाता है जो कि देख सकते हो ड्राइवर है। तो गैज ये लाल और उजला वायर जो है ये आउटपुट के लिए है जो कि LED में जाएगा, इनपुट हम इसमें करने वाले हैं क्योंकि AC में प्लस माइनस नहीं होता है। तो गैज इसको पहले हम अंदर डाल लेते हैं। फाइनल गैज डालने के बाद यहाँ देख सकते हो दोनों वायर इस तरफ आ गया है, दोनों को इस तरह से मोड़ लेंगे दोनों साइड ताकि बाहर ना खिंचाए। उसके बाद यहाँ पर फिर हम सोल्डिंग चढ़ा देंगे, ये देख सकते हो हाँ देख सकते हो गैज यहाँ पर पहले जो उखाड़े थे वही फिर इसमें चढ़ा दिए, कुछ भी यहाँ पर वेस्ट नहीं हुआ है। तो फाइनल अब इधर भी चढ़ाएंगे, ये भी देख सकते हो चढ़ गया फाइनली। तो गैज इस तरह से चढ़ाने के बाद फाइनल अब इधर देख सकते हो 2 वायर जो प्लस माइनस है इन दोनों में फिर इस तरह से हम लगाएंगे, देख सकते हो। उसके बाद इस हीटिंग प्लेट को यहाँ इस तरह से फिट करेंगे, फिट करने के बाद फाइनल गैज इन दोनों वायर को प्लस में और माइनस को माइनस में सोल्ड कर देंगे, फिर ये ग्लो करने लगेगा। फाइनल गैज यहाँ पर दोनों वायर को सोल्ड कर दिए हैं जो कि देख सकते हो। सोल्ड करने के बाद फाइनल हम चेक कर लेते हैं जो कि देख सकते हो गैज यहाँ काफ़ी ये बेहतरीन वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, रोशनी वगैरह भी एकदम काफ़ी फुल है। तो गैज इस तरह से आप किट को ड्राइवर को चेंज कर सकते हो। एंड गैज इसमें अगर आप चाहते हो कि LED को हम कम से कम रुपयों में ठीक करें, इसमें जैसा कि गैज 10 रुपया का ये 7 रुपया का ये LED प्लेट लग गया और 10 रुपया का ड्राइवर, मतलब 15-20 रुपया तो लग ही गया एक LED को ठीक करने में। तो गैज एक ऐसा सिस्टम है जो कि मात्र आप 8 रुपयों में LED को बिल्कुल तैयार कर सकते हो। सो गैज फाइनल यहाँ पर दूसरा LED है जो कि देख सकते हो यह भी नहीं जल रहा है, थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। तो फाइनल गैज अगर 10 रुपये में बनाना चाहते हो तो देख लो ये कैसे बनता है। तो फाइनल गैज कुछ नहीं करना होता है जो कि देख सकते हो, इसमें तो कुछ ये है ही नहीं। तो गैज फाइनल यहाँ पर क्या ये 2 वायर सिर्फ निकला हुआ है अंदर से, जो कि करना क्या गैज इसमें किट रहता है तो यहाँ पर किट है नहीं गैज क्योंकि ये लगता है पहले खुला हुआ था। तो फाइनल गैज इसी तरह से इसमें 2 वायर हमें निकालना ही था, तो गैज इसमें वायर निकला ही है तो कोई दिक्कत नहीं गैज। यहाँ पर ये देख सकते हो ये जो देख सकते हो LED प्लेट, इसमें किट वगैरह इसी में लगा हुआ, ये IC जो देख रहे ये IC वगैरह है। तो गैज इसमें डायरेक्ट लाइन दे देते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है,
तो उस केस में गाइस हमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि मार्केट में ये 8 से 10 रुपये में कहीं भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो गाइस इन दोनों को यहाँ पर हम सोल्ड कर देंगे फिर जलाएंगे। फाइनल गाइस यहाँ पर देख सकते हो पहले हीटिंग प्लेट लगा दिए हैं, उसके बाद इस LED में इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों वायर को यहाँ देख सकते हो न्यूट्रल लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, इसमें हमें एक वायर कनेक्ट करना है, यहाँ L लिखा हुआ है, एक वायर यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है। फाइनल गाइस यहाँ पर यह सोल्डिंग हो गया है, जो कि देख सकते हो इसको अभी हम जलाने वाले हैं, डायरेक्ट ये लाइन पर जलेगा, जो कि देख सकते हो फाइनली ये सही वर्क भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोशनी वगैरह भी देख सकते हो गाइस। सो गाइस जैसा कि ये देख सकते हो ये AC DC LED है, क्योंकि ये अभी DC में काम कर रहा है, ये जल रहा है, फिर जब लाइन में लगाएंगे तो ये AC पर जलने लगता है, तो गाइस इसलिए ऐसे AC DC LED करते हैं। तो गाइस इसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे, तो फाइनल ये देख सकते हो ख़राब AC DC है, यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो इससे भी नहीं जल रहा है, एंड गाइस जब लाइन में लगाते हैं तो इससे भी नहीं जल रहा है, जो कि देख ही सकते हो। तो फाइनल गाइस इसको यहाँ से ओपन करना होता है इस तरह से, जो कि खुल गया देख सकते हो। खुलने के बाद फाइनल यहाँ पर एक बैटरी का जैक है ये, और प्लस माइनस यहाँ पर अंदर से वायर निकाल कर लाइन दिया जाता है। तो फाइनल इसको भी खोल लेते हैं, एंड गाइस पहले बैटरी को हम अभी बाहर निकालने वाले हैं, जो कि देख सकते हो यहाँ से ये जैक पर टाइट होता है। फाइनल गाइस ये जैक खुल गया है, इसको फाइनली हम बाहर निकाल लेंगे, बैटरी को भी यहाँ से बाहर हम निकाल सकते हैं, देख सकते हो गाइस बैटरी जब खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। फाइनल गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये बैटरी पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, जो कि देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर बैटरी भी हम इसमें चेंज करने वाले हैं, एंड गाइस LED वगैरह भी देखेंगे क्या दिक्कत है LED में, LED को भी ठीक करेंगे। तो फाइनल ये बैटरी निकल गया है, अब ये दो पॉइंट जो है ये दोनों AC के लिए है, जो कि यहाँ से कनेक्ट है इन दोनों टर्मिनल पर से। तो गाइस फाइनल इसको अभी फाइनल गाइस ये देख सकते हो मार्केट में किट मिलता है, AC DC किट है ये, जो कि इसमें किट और LED दोनों इसमें फिक्स है, DC और AC ये भी देख सकते हो पुराना वाला ये है, जो कि गाइस ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बैटरी भी ख़राब हो चुका है। तो फाइनल गाइस ये 20 से 25 रुपये में कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम नया बैटरी भी लगाने वाले हैं, ये ख़राब हो चुका था, इसका जैक न्यू बैटरी में अभी डालने वाले, ये बैटरी में सोल्डिंग कर दिए हैं दो वायर को, अब यहाँ पर इस जैक का जो कनेक्शन होगा लाल में लाल और कला में कला इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। ये जैसा कि देख सकते हो गाइस ये बैटरी भी मार्केट में हर जगह मिलता है, जो कि 50 से 60 रुपये में बैटरी आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से देख सकते हो जोड़ दिए हैं, ये फिर LED में फिक्स होगा, पहले यहाँ पर हम टेप वगैरह मार लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर टेप मारने के बाद फाइनल इसको यहाँ पर अब जैसे पहले बैटरी फिक्स किया गया था वैसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे बैटरी, जो कि यहाँ पर फिक्स हो चुका है बैटरी। एंड गाइस जब इस प्लेट को फिक्स करना है तो गाइस ये जो इसमें कनेक्ट होगा पहले इसमें कनेक्ट हम कर लेते हैं ये बैटरी का जैक। फाइनल यहाँ पर बैटरी का जैक फिट हो गया है, जो कि देख सकते हो, एंड यहाँ पर जो एक छेदा है यहाँ पर लाइन का दोनों वायर जो था इन दोनों को यहाँ से अंदर डालेंगे। फाइनल ये डालने के बाद ये नट पर टाइट होता है, तो गाइस यहाँ पर टाइट कर लेते हैं पहले। फाइनल गाइस यहाँ पर देख सकते हो फिट हो गया, उसके बाद ये दोनों वायर जो है यहाँ पर L लिखा है यहाँ पर N लिखा है, L और N में यहाँ पर लाइन इन करेंगे। फाइनल गाइस यहाँ पर सोल्ड हो चुका है, जो कि देख सकते हो यहाँ पर फाइनल अभी हम चेक करने वाले हैं, जो कि देख सकते हो ये लाइन आया हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हो अभी जल रहा है, ये ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना, ये अभी AC पर चल रहा है। गाइस जब DC पर चलाना है तो पहले यहाँ देख सकते हो लाइन को खोल दिए तो ये बुझ गया, फिर इन दोनों को जैसे शॉर्ट करेंगे फिर जलने लगेगा, जो कि ये देख सकते हो गाइस ये जलने लगता है जब यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं, फिर इसको जैसे छोड़ेंगे ये बुझ जाएगा। तो गाइस इस तरह से कोई भी AC DC बल्ब को रिपेयरिंग कर सकते हो, जो कि गाइस इसमें अगर प्राइस की बात करें तो इसमें बैटरी मिल गया 55 से 60 रुपये में, उसके बाद गाइस ये LED प्लेट मिल गया हमें 25 से 30 रुपये में, जो कि गाइस 80-90 रुपये के बीच में ये पूरी नया LED बनकर तैयार हो जाता है। तो गाइस इस तरह से कोई भी AC DC बल्ब अगर ख़राब होता है तो आप रिपेयरिंग कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं ये बड़ा बल्ब का, जो कि देख सकते हो ये यहाँ पर 60 वाट का बल्ब है, इसमें इससे भी और बड़ा आता है और छोटा वगैरह भी आता है। तो गाइस इसमें कौन सा पार्ट्स लगा होता है जो उतना ज़्यादा रोशनी करता है, तो गाइस यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो ये खोल लिए हैं। फाइनली खोलने के बाद ये सरा LED देख सकते हो, ये सरा LED है, जो कि इसमें सिर्फ AC पर ही ये काम करता है। तो फाइनल गाइस इसमें भी अगर LED ख़राब होता है तो जैसे शॉर्ट करके छोटा वाले LED में इस तरह से चेक किए थे, इस तरह शॉर्ट कर करके इसी तरह से यह भी अगर ख़राब होता है तो शॉर्ट करके सही कर सकते हैं।
एंड गाइस यह भी प्लेट मार्केट में मिलता है। अगर ये एलईडी प्लेट ख़राब हो जाता है तो उस केस में गाइस प्लेट मिलता है, जो कि ये देख सकते हो ये चौड़ों में है, गोल में भी आता है। इसको भी यहाँ पर फिट कर सकते हैं कटिंग वगैरह करके। तो फाइनल गाइस अगर ख़राब होता है तो चेंज कर सकते हो एलईडी प्लेट को डायरेक्ट। एंड गाइस इसमें किट कौन सा होता है ये भी आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस इसके लिए यहाँ पर स्क्रू देख रहे हो, जो तीन स्क्रू, तीनों स्क्रू को पहले खोलना होगा। फाइनल गाइस यहाँ पर तीनों स्क्रू खुल चुका है। फाइनली खोलने के बाद यहाँ से ओपन होगा इस तरह से, जो कि देख सकते हो गाइस इसके अंदर मात्र एक किट लगा हुआ है, इसी के अंदर किट वगैरह है। तो गाइस यही एसी को डीसी करके वहाँ पर डीसी वोल्ट देता है, तभी यह बल्ब ग्लो करता है। अगर गाइस ये ख़राब हो जाता है तो गाइस इसको भी बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। यहाँ से इन दोनों पॉइंट को हटा देंगे या तो यहाँ से वायर कट कर देंगे, फिर दूसरा यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, जो कि मार्केट में ये भी मिलता है गाइस। ये देख सकते हो 60 से लेकर 80-90 रुपया के बीच में ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हो। इसका चेक करने का जो तरीका होता है गाइस, यहाँ जब लाइन देंगे यहाँ पर 100 प्लस वोल्ट आना चाहिए, तभी हम समझेंगे ये ड्राइवर सही है। अगर नहीं आता है तो 100 प्लस वोल्ट तो ड्राइवर उस केस में ख़राब होता है, तो ड्राइवर को चेंज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो मतलब कहा जाए तो गाइस जैसा कि छोटा वाले बल्ब में प्रोसेस है, वही हर प्रोसेस इसमें भी है। सो गाइस जब पोल वेपर के बारे में जानना है तो गाइस सबसे पहले हम चेक करके दिखा देते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन गाइस हम यह बताने वाले हैं कैसे इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, जो कि देख सकते हो बिल्कुल ग्लो कर रहा है। तो फाइनल गाइस इसमें भी कोई ज़्यादा तामझाम होता नहीं है, एक दो पार्ट इसमें भी लगा होता है। तो उससे पहले गाइस इसको खोलने के लिए, इस बॉडी को यहाँ पर देख सकते हो चार नट लगा हुआ है, इसको पहले खोलना होगा तभी ये ओपन होगा। फाइनल गाइस यहाँ पर देख सकते हो खुल गया है वेपर से चारों नट। तो नट खोलने के बाद फाइनली ये ऊपर में जो ये कवर रहता है शीशा, इसको तो पहले हटाना ही है। तो गाइस ये यहाँ पर चिपक गया है। तो गाइस ये देख सकते हो, ये हटने के बाद फाइनली इसमें देख सकते हो कोई ज़्यादा इसमें सामान है नहीं। एक यहाँ पर एलईडी प्लेट है, एंड यहाँ पर वही ड्राइवर है जो कि 50 वाट 60 वाट वाले एलईडी में था। तो गाइस इसमें भी वही सिंपल है, अगर ये ख़राब होता है तो छुट्टी वगैरह से चेक कर करके शॉर्ट कर लेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो प्लेट चेंज कर लेंगे। उसके बाद गाइस ये ड्राइवर अगर ख़राब है तो ड्राइवर को फाइनली चेंज कर देंगे। तो गाइस कोई भी वेपर हो, पोल वेपर, यही हर वेपर में होता है। तो इस तरह से आप कोई भी वेपर को ठीक कर सकते हो। सो गाइस ये जैक्सन एलईडी है, जो कि हाउस वायरिंग में सबसे ज़्यादा यही यूज होता है अभी के समय में। तो गाइस इसमें क्या क्या सामान होता है यह भी जानने वाले हैं। तो गाइस फाइनल इसको इस तरह से खोलना होता है, जो कि देख सकते हो ये काफ़ी आसानी से खुल जाता है। खोलने के बाद फाइनल ये नट गाइस फिटिंग करने के टाइम में इसको खोल कर ही नट को कसना होता है, यहाँ से और यहाँ से, दो नट जैक्सन में टाइट होता है, इसलिए इसे जैक्सन एलईडी भी कहते हैं। तो फाइनल गाइस यहाँ देख सकते हो ये एलईडी प्लेट है, इसके अंदर ड्राइवर ही होगा और तो ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। तो फाइनल गाइस देख लेते हैं खोल कर क्या है। फाइनल ये गाइस देख सकते हो खोलने के बाद इसमें एक यहाँ पर ड्राइवर है, जैसे 9 वाट एलईडी में था एक एलईडी था और ये ड्राइवर था, सेम वही कंडीशन इसमें भी है। ज़्यादा इसमें भी कोई तामझाम है नहीं, यह ख़राब होता है तो यह चेंज कर देंगे, यह ख़राब होता है तो यह चेंज कर देंगे। तो काफ़ी आसानी से चेंज हो सकता है, या तो गाइस इन दोनों को हटाकर मात्र 10 रुपये में एलईडी बना सकते हो, जो कि गाइस ये हम बनाए हुए हैं, देख सकते हो इसको। इसको अगर अभी हम जलाएंगे तो बिल्कुल ये सही वर्क करेगा, जो कि अभी आपको दिखने वाले हैं। ये देख सकते हो गाइस रोशनी वगैरह भी काफ़ी अभी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो फाइनल गाइस इसमें ऐसा हम क्या जुगाड़ लगाए हैं यह भी आपको दिखा देते हैं, जुगाड़ इसमें क्या लगाए हैं। तो फाइनल यहाँ से खोलना ही होगा। तो फाइनल गाइस ये खोलने के बाद यहाँ देख सकते हो वही 10 रुपया वाला ये एलईडी किट है, जिसमें आईसी लगा हुआ रहता है। सिर्फ अंदर से दो वायर इधर से डाल दिए, यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिए हैं, देख सकते हो कुछ नहीं है। तो फाइनल गाइस इस तरह से आप भी जैक्सन एलईडी को सही कर सकते हो खुद से। सो गाइस अब ये ट्यूब लाइट है, जो कि देख सकते हो 20 वाट का ट्यूब लाइट है, इसको अभी हम पहले जलाकर दिखा लेते हैं ये जलता है या नहीं जलता। तो फाइनली गाइस ये थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है, जो कि देख सकते हो। तो फाइनल गाइस इसमें क्या सामान रहता है और कैसे इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं यह हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले गाइस जो होता है इसको रिपेयरिंग करने से, खोलने से पहले, तो गाइस सबसे पहले इसको ही खोलना होता है। इधर से खोल सकते हो एंड गाइस इस पार से भी खोल सकते हो, दोनों साइड एक जैसा ही दिया हुआ है। तो गाइस किसी एक साइड से यहाँ देख सकते हो इसको प्रेस करना होता है, ये लॉक पर बैठा हुआ होता है, तो यह भी काफ़ी आसानी से खुल जाता है, जो कि देख सकते हो ये खुल गया। फाइनली गाइस इधर से निकलने वाला है नहीं, तो इधर हमें अब खोलना पड़ेगा, इधर से ही किट वगैरह निकलेगा। तो फाइनल गाइस इसको भी देख सकते हो इधर से खोल दिए, खोलने के बाद यहाँ आप देख सकते हो कनेक्शन वगैरह यहीं से है। ये गाइस एलईडी ऊपर का एलईडी है और नीचे यहाँ पर ड्राइवर है, इसको खींचेंगे तो ड्राइवर आ जाएगा। और यहाँ जो ये कनेक्ट किया हुआ है, इसको पहले हमें उधर
सारा भेज देना ताकि खींचने में आसानी हो, उधर से एक बार में खींचा जाए। तो गाइज यहाँ पर इधर से खींच लेंगे, जो कि दोनों एक साथ यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो गाइज ये निकल गया है, काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो फाइनल गाइज निकाल कर ही इसे चेक करना होता है, इसमें क्या हुआ है, क्या दिक्कत वगैरह है। तो गाइज यहाँ देख सकते हो निकाल लिए हैं फाइनल। यहाँ पर देख सकते हो गाइज इसका यही वायर वगैरह यहाँ से टूट गया था, और ये यो तो जल गया है काफ़ी, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा गाइज, बहुत कला कला हो गया है। इसका किट ही हमें लग रहा है ये ख़राब है, फाइनली देखने से ही पता चल जाता है। तो गाइज इसको पहले यहाँ से हम दोनों सोल्ट को हटा लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो ये एलईडी का, ये ट्यूबलाइट का ये एलईडी है, जो कि देख सकते हो इसमें काफ़ी पीस रखा हुआ है। तो गाइज अगर ये ख़राब होता है तो ये एलईडी, तो गाइज यहाँ यह एक एक निकाल कर आसानी से चेंज कर सकते हो, जो कि मार्केट में 60 से लेकर 80 रुपया के बीच में ये मिल जाता है। एंड गाइज इसका ड्राइवर यहाँ पर देख सकते हो, ये मर्करी का ही ड्राइवर है ट्यूबलाइट का। इसमें टोटल गाइज 10-12 पीस है, जो कि एक एक पीस तोड़ कर इसमें लगा देंगे, फिर ये सही से वर्क करने लगेगा। जैसा कि यह ड्राइवर ख़राब हो गया था, तो गाइज यह एक ड्राइवर तोड़ कर उसमें डाल देंगे तो फिर ये ट्यूब जलने लगेगा। तो गाइज यह आपको पहले हम दिखाने वाले हैं, ये जलता है या नहीं जलता है। अब एकदम यहाँ देख सकते हो एक इससे ये निकाल रहे हैं, तो फाइनली ये एक निकल गया है गाइज। इसको अब यहाँ देख सकते हो इसमें एल और एन लिखा हुआ है, इसमें मतलब लाइन देना है, एल और एन मतलब न्यूट्रल और फेज है। और गाइज यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, जो कि ये आउटपुट के लिए है, एलईडी का यहाँ पर जोड़ाएगा। तो गाइज फाइनल यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह जहाँ पर है उसमें हम लाल को कनेक्ट करेंगे, जो कि कनेक्ट हो गया। एंड गाइज माइनस पर यहाँ कला कनेक्ट करेंगे इस तरह से, जो कि देख सकते हो ये कला कनेक्ट हो गया है। फाइनली गाइज दो वायर इधर भी कनेक्ट होगा, जो कि लाइन देंगे। फाइनल गाइज यहाँ एल और एन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम उल्टा पुल्टा तार किसी तरह से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि लाइन में माइनस प्लस नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पर सोल्ड हो चुका है, अब फाइनली चेक करेंगे ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। फाइनल गाइज यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हो लाइन है, और ये चेक कर रहे हैं, देख सकते हो गाइज काफ़ी ये बेहतरीन ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जो कि देख सकते हो। तो गाइज इस तरह से किसी भी ट्यूब का आप ड्राइवर या एलईडी प्लेट ख़राब होता है तो चेंज कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको भी इसके अंदर फिट कर देंगे, जैसे खोले हुए थे सेम उसी तरह से फिट कर देंगे, बिल्कुल ये बेहतरीन वर्क करने लगेगा, जो कि मात्र 50 से 60 रुपये में ठीक हो जाता है। तो गाइज ये डीजे लाइट है या पार लाइट भी इसे बोल सकते हो। तो गाइज इसको कैसे रिपेयरिंग किया जा सकता है, इसमें भी दो तीन कम से कम 4-5 पार्ट्स होते हैं, एक गाइज फैन होता है, 2 किट होता है, एंड गाइज एलईडी प्लेट होता है। तो फाइनल गाइज इसमें 4-5 पार्ट्स लगे होते हैं, जो कि बहुत पार्ट्स इसमें ख़राब होने वाला है, और बहुत पार्ट्स ऐसा है जो कि ख़राब बहुत कम ही होता है, ना के बराबर। तो गाइज इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये, तो क्योंकि गाइज वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, जो कि गाइज इसमें नहीं बता पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस पार लाइट के बारे में सीख सकते हो। सो गाइज इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको पता चल गया होगा कि सारा एलईडी वगैरह लाइट वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पार्ट्स होते हैं, एक ड्राइवर होता है, दूसरा एलईडी प्लेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही 2 पार्ट्स खराब होता है, एलईडी प्लेट ही या तो ड्राइवर की ही खराब होता है। तो गाइज इस तरह से कोई भी बल्ब वगैरह खराब होगा तो मुझे आशा है कि आप कोई भी बल्ब वगैरह ठीक खुद से कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो गाइज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो गाइज इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।